बात है, खासकर आरक्षण वाले जो पोर्शन है उससे छेड़छाड़ संभव है, क्योंकि आरएसएस लगातार ये बातें कहता रहा है। देखिए, ये तो समाज में जो सामाजिक विकृतियाँ हैं और उन विकृतियों का ये सोच का परिणाम है कि लोग ऐसी बातें अक्सर समाज में कहते रहते हैं। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने की किसी में न क्षमता है, ना कोई ऐसा कर पाएगा। और अगर ऐसा करने का प्रयास किया गया तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, और इस बात को उन लोगों को जरूर सोचना चाहिए जो लोग संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं। संविधान का इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुआ, 70 साल का लंबा समय हो गया है। जो अधिकार संविधान में खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी को दिए गए, महिलाओं को दिए गए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके पीछे आप क्या कोई राजनीति देख रहे हैं या वही लोगों की मानसिकता है? देखिए, इसमें एक कारण नहीं है, इसमें कई सारे कारण है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो आपसी बिखराव है वो एक प्रमुख कारण बन करके सामने आया है। लोगों में आपस में इतना बिखराव है, कहीं जाति के नाम पर है, कहीं उपजाति के नाम पर है, कहीं किसी वजह से है, कहीं किसी वजह से है। ये जो बिखराव है, एकता ना होना, समाज का सामाजिक एकता का एक ना बनना, शक्ति का ना बनना, और भारत के जो राजनेता हमारे चुन करके जाते हैं लोकसभा में, वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए 25% के आरक्षण से लोकसभा में पहुँचे। उनका ऐसा मानना है कि उनको SC ST समाज के लोग वोट नहीं देते, SC ST समाज के लोग मायावती जी को वोट देते हैं, इसलिए जब वो सामान्य जाति की वोटों से चुनकर आते हैं, और क्योंकि वो सामान्य जाति की वोटों से चुनकर आते हैं इसलिए वो हमारी आवाज़ को क्यों उठाएं। हम यहाँ कहना चाहेंगे यार कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा समाज का वोट भी उनको जाता है, और अगर वोट जाता भी नहीं है तो वो जो 25% का आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है वो लोकसभा में प्योरली आरक्षण के बदौलत वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हें हमारे समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए, हमारे समाज की दिक्कतों को लोकसभा में उठाना चाहिए, और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था हो, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण रोका जाए। जो हमारे मुद्दे आज समाज के, हमारा जो प्रमोशंस में रिजर्वेशन खत्म किया है उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए, ये सब चीज़ें कराना हमारे लोकसभा के सांसदों और मंत्रियों की जिम्मेदारी है, और हम आह्वान करते हैं उनसे कि इस जिम्मेदारी को निभाने की कृपा करें। आप SC ST वेलफेयर चलाते हैं, एसोसिएशन भी है, कुछ ऐलान करने वाले हैं कि कुछ बाबा साहब को लेकर आप लोग कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं? देखिए, अभी 12 नवम्बर को हमारा जन्मदिन मनाया गया था हमारे कर्नाट प्रेस मुख्यालय में। हमारे संगठन ने ये तय किया है कि 3 संकल्प उस दिन लिए गए हैं। एक तो ये कि हमने कैडर कैंप की शुरुआत की है अपने ही कार्यालय में, 100 लोगों को हम लोग अलग अलग डेट्स के अंदर हम कैडर का हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। उसमें अजीत गौतम साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम जी के सहयोगी रहे हैं, वो उस कैडर कैंप का उन्होंने पिछली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स का और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का 100 लोगों का उन्होंने कैडर कैंप दिया है। हर महीने एक कैडर कैंप का हमने शुरुआत की है। इसके अलावा 25 बच्चों को IAS बनाने के लिए हमारे संगठन ने जो है 5 बच्चे SC, 5 ST, 5 OBC, 5 माइनॉरिटी और 5 गरीब सामान्य जाति के बच्चे हमने चूज किए हैं। उन बच्चों को IAS एकेडमी, जो हमारी एस्पायर IAS एकेडमी, उसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनकी व्यवस्था की है। उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, उसका फीस का पेमेंट हमारा संगठन करेगा। इसके अलावा उनको रहने के लिए हमने अम्बेडकर भवन पर व्यवस्था की, उनके हॉस्टल का निर्माण कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी ही 25 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोचिंग देने का काम करेंगे। इसके अलावा हम अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य हमने संकल्प लिया है। 1 साल के अंदर हम एक अम्बेडकर भवन दिल्ली की धरती पर बना रहे हैं, उसमें एक IAS एकेडमी बना रहे हैं, बच्चों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, उसमें गेस्ट हाउस बना रहे हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना रहे हैं। थैंक यू सर।